नमस्कार, आप हैं द खबरदार डॉट कॉम के साथ और मैं हूं वेद। रीवा, 12वीं की परीक्षा के विरोध में फिर उतरे छात्र। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी सरकार के इस फैसले को ठहराया अनुचित। 12वीं की आगामी परीक्षा 9 जून से है, जहां बचे हुए विषयों की परीक्षा होनी है, जिसके विरोध में छात्र पिछले 4 जून से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए इस परीक्षा के विरोध में हैं। वहीं अब छात्र सड़कों तक निकल आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी है, जिसका विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। जब से परीक्षा की तारीख और प्रवेश पत्र आवंटित किए गए हैं, जिसके बाद से ही रीवा समेत जिले के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। जहां छात्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इस परीक्षा को स्थगित कर आगे की तारीख तय की जाए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस क्रम में छात्रों ने आज पैदल मार्च निकालकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से मिले, जहां उन्होंने अपनी बात रखी। जहां रीवा सांसद ने भी छात्रों के हित में बोलते हुए कहा कि जब तक कोरोना बीमारी पर नियंत्रण नहीं हो जाता, तब तक परीक्षा लेना उचित नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि छात्रों के अभिभावकों से अनुरोध है कि सरकार पर स्कूल के खोलने का किसी भी तरह का दबाव न बनाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोशिश की जाएगी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जाए। जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। संचालन के लिए मैं इस पक्ष में हूँ कि जब तक वातावरण शांत नहीं हो जाता, तब तक स्कूल भी नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना रुक ले लो। उनके माता पिता से भी मेरा आग्रह बच्चों के कि वो भी सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव न बनाए कि बच्चों के स्कूल चालू हो, और न स्कूल चालू हो, न कॉलेज चालू हो, न यूनिवर्सिटी चालू हो। मैं इस पक्ष का हूँ, बाकी निर्णय सरकार को करना है। जिंदाबाद।